अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए अपने किचन में रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन स्पेगेटी विद मैक्रोनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, चिकन स्पेगेटी विद मैक्रोनी। और जिन सब्जियों की हमें आज ज़रूरत है इसके लिए, वो ये हैं: एक छोटी बंद गोभी, दो शिमला मिर्च, दो गाजरें, एक छोटी साइज की प्याज, और साथ हम लेंगे सब्ज प्याज। अब इनको हम काट लेंगे। सारी सब्जियों को आपने ऐसे ही बारीक काट लेना है। चलिए मैं काट के फिर आपसे मिलती हूँ। ऐसे आपने सब्जियों को बारीक बारीक काट लेना है, प्याज को अलग से काट लेना है। वन पैकेट स्पेगेटी का, दो कप मैक्रोनी, वन टेबलस्पून अदरक लहसुन कुटा हुआ, एक ब्रेस्ट पीस लेना है और उसके छोटे छोटे इस तरह के पीस कर लेने हैं, 4 टेबलस्पून सिरका, 4 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, ऑस्टर सॉस 2 टेबलस्पून, 8 टेबलस्पून ऑयल, 2 चिकन क्यूब, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1.5 टीस्पून काली मिर्चें पिसी हुई, 1 टीस्पून नमक। स्पेगेटी को बॉयल करने के लिए पानी को उबाल लें। अब जैसे इसमें उबाल आ रहा है, इसमें आपने 2 चम्मच नम ऑयल के डालने हैं और 1 टीस्पून नमक। अब इसमें मैक्रोनी डाल दें। अब मैक्रोनी को मिक्स कर लें ताकि नीचे चिपके ना। अब इसमें 1/2 स्पेगेटी तोड़ के डालनी है आपने। और 1/2 पूरी डालनी है ऐसे। स्पेगेटी को इस तरह हिला लें ताकि ये आपस में जुड़े ना। और इसको पकाने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दें। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। इसको ज़्यादा नहीं हमने बॉयल करना, ये बस ऐसे ही होनी चाहिए। अब हम इसको छान लेंगे। अब इस पर हम ठंडा पानी डाल देंगे। और इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, डालकर मिक्स कर लेंगे। अब पहले ऑयल डालें 8 टेबलस्पून, कुटा हुआ डालेंगे, सौते करेंगे, फिर इसके अंदर चिकन डालेंगे। चिकन के रंग बदलने तक इसको फ्राई करेंगे।
अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, तो अपने मसाला जात डालेंगे, कुटी लाल मिर्चें, नमक और काली मिर्च। इसको हल्का सा भून लेंगे। आंच को मीडियम कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि चिकन गल जाए। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। देखें अब चिकन का पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल आ गया ऊपर। अब हम इसके अंदर सब्जियां डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। अब आंच तेज कर देंगे मीडियम टू हाई पे। अब इसके अंदर सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस और सॉस और 2 चिकन क्यूब शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। ऐसे हमने सब्जियों को खड़ा रखना है, ज़्यादा नरम नहीं करना। अब हम इसमें अपनी स्पेगेटी और मैक्रोनी शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिलती हूँ मिक्स करने के बाद। स्पेगेटी को मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम सब्ज़ प्याज डाल देंगे। आज मेरी रेसिपी चिकन स्पेगेटी विद मैक्रोनी, तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें लाजमी, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।